तो गाइज इंडियन नेवी डबल ए एस एस आर के लिए परीक्षा पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है और आप जाके परचेज कर सकते हो। अगर आप अपने चैनल कोड यूज़ करते हो जो कि ये दिया है इंडियन वी 40, तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये केवल पहले 100 यूजर्स के लिए। तो जाओ जल्दी से परचेज करो, लिंक मैं आपको और ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। सब स्पोर्ट्स खेल खेल से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और दो क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। बढ़ा चढ़ा के बोल दूं, मैं थंबनेल में लिख दूं कि 4 से 5 नंबर का आता है, 4 से 5 नंबर आपको खेल से मिल जाएंगे, नहीं आता गाइस। 2 क्वेश्चन आते हैं और 2 नंबर आपको मिलेंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो। साथ ही इस वीडियो के अलावा एक वीडियो आपको और देखनी पड़ेगी। इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके 50 क्वेश्चन की एक वीडियो दूंगा जिसमें इसका टेस्ट होगा। आप उस अगर 50 में से अगर आप 49 या 50 आप सही कर देते हो तो आप ये समझ लेना कि आप एग्जाम में सिर्फ 23 नंबर का पेपर कर रहे हो, 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे और वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो के अपलोडिंग टाइम के 1 या 2 दिन बाद देख रहे हो तो आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगी, टेलीग्राम पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलो मैं स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में क्योंकि खुद सारा लिखना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, सारे सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो सब्सक्राइब करने का चैनल है ना। तो प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफी, पहला टॉपिक यही है कि प्रमुख जो राष्ट्रीय कप हैं एवं ट्रॉफी ट्रॉफीज़ हैं वो आपको याद करनी है। ज़्यादा नहीं लिखी है, सिर्फ प्रमुख प्रमुख जो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे क्रिकेट से संबंधित जो जो ट्रॉफीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है क्रिकेट, तो क्रिकेट से संबंधित जो ट्रॉफीज़ हैं और कप हैं वो देखो। पहला है विश्व कप, ये सभी को पता होगा। इसके बाद आपको याद रखना है क्रिकेट से संबंधित ईरानी कप भी, ईरानी ट्रॉफी होती है। इसके बाद देवधर ट्रॉफी सुना होगा, रणजी ट्रॉफी भी आपने सुना होगा, दिल्ली ट्रॉफी भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये 4 आपने ऑलरेडी सुन रखे हैं, एक और आपने नहीं सुना होगा, ईरानी ट्रॉफी। तो ये 5ों आपको याद रखने सीरियल से, विश्व कप, ईरानी ट्रॉफी, देवधर, रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, इस तरीके से तो आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा जो आपका खेल आता है वो होता है हॉकी, ठीक है। तो हॉकी से बात करते हैं, तो हॉकी में देखो ये 4 जो ट्रॉफीज और कप हैं ये आपको याद रखना है। हॉकी, विश्व कप ये आप बता लोगे, नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद ये पूछा जाता है अजलान शाह कप, ये किस खेल से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी भी पूछ लिया जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है। और आगा खां कप तो बिल्कुल पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन हमने काफ़ी बार पढ़ा है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, तो ये भी पूछा जाता है। तो हॉकी, विश्व कप नहीं पूछा जाएगा, बाकी ये 3 आपको याद रखने हैं कि अजलान शाह कप, ध्यानचंद ट्रॉफी और आगा खां कप, ये आपके हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है फुटबॉल और लॉन टेनिस। तो नेक्स्ट खेल है आपका फुटबॉल, फुटबॉल से संबंधित जो कप है तो डूरंड कप है। पहला डूरंड लिखा है तो डूरंड होता है, तो ये डूरंड कप पूछा जाता है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। संतोष ट्रॉफी नहीं पूछा जाता, मंडेका कप और फीफा विश्व कप। तो इनमें से जो आपका मंडेका कप है, संतोष ट्रॉफी है, रोवर्स कप है, डूरंड कप भी पूछ लिया जाता है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बाकी फीफा विश्व कप नहीं पूछा जाएगा। तो ये 4 आपको याद रखने हैं, इनके आप ट्रिक निकाल सकते हो, आराम से बना सकते हो। इनके पहले वर्ड लिखो DRSMF, तो इनको मिला के कोई वर्ड बना सकते हो, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। इसके बाद आता है लॉन टेनिस, तो लॉन टेनिस से संबंधित जो आपकी ट्रॉफीज़ और कप होती है वो ये है। पहला डेविस कप, डेविस कप आपकी लॉन टेनिस से संबंधित होती है। विम्बलडन कप ये भी, और ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन और फ्रेंच ओपन। अब इनसे करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 किसने जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, फ्रेंच ओपन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो पता ही होना चाहिए कि फ्रेंच ओपन, US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विम्बलडन और डेविस कप ये सब किससे संबंधित है, ये आपके लॉन टेनिस से संबंधित है, ठीक है, याद करना है आपको कैसे भी करके। इसके बाद आता है टेनिस, टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस से संबंधित जो कप है, ट्रॉफीज़ हैं, तो वो पहला है आपका स्वैथलिंग, ठीक है, मेरे साथ आप भी पढ़िए तभी याद होंगे। स्वैथलिंग कप जो है वो आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। बरला बेलेक कप ये भी आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। इसके बाद आता है ट्रावना कोर कप, ये 3ों कप आपने पहली बार हो सकता है सुना हो तो आपको याद करने हैं कैसे भी करके। तो टेबल टेनिस से संबंधित स्वैथलिंग कप, बरला बेलेक कप,
ट्रावनाकोर कप, ये तीनों आपके टेबल टेनिस से संबंधित है। और देखते हैं, और है आपका बास्केटबॉल से संबंधित और बैडमिंटन से संबंधित। तो जो आपका बास्केटबॉल से संबंधित जो आपकी ट्रॉफी है, जो कि मेन है, जो प्रमुख है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो केवल एक ही है, वो ये है लैरी ओ ब्रायन चैंपियनशिप ट्रॉफी, ये आपकी बास्केटबॉल से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बैडमिंटन। तो बैडमिंटन से जो संबंधित ट्रॉफी या कप है, तो देखो मलेशियन कप, थॉमस कप। थॉमस कप का क्वेश्चन हमने पढ़ा है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है उबेर कप, यू थॉन्ट कप और यूरोपियन कप। तो ये आपको सारे याद रखने हैं, मलेशियन कप, थॉमस कप, उबेर कप, यू थॉन्ट कप और यूरोपियन कप। ये आपको कैसे भी करके याद करने हैं। इतना अगर आप याद कर लेते हो तो आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है किस खेल से संबंधित कोई भी ट्रॉफी, प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन्हीं के अंदर से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा गाइस। क्योंकि पिछले 10 साल में, 10-15 साल में इनसे बाहर से और कोई पूछा ही नहीं गया, सिर्फ इतने ही कप और ट्रॉफीज पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है लोकप्रिय खेलों की प्रमुख शब्दावली। बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, प्रमुख शब्दावली इस क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि ये टफ होता है। मेन मेन शब्द हमें याद रहते हैं, बाकी हमें नहीं याद रहते, क्योंकि हम इतना क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा देख लेते हैं, फुटबॉल देख लेते हैं, इससे ज़्यादा हम गेम में इंटरेस्ट ही नहीं रखते। तो देखो क्रिकेट से संबंधित जो मेन शब्दावली होती है वो होती है वेल्स, डेड बॉल आपने सुना होगा, ठीक है, गली भी आपने सुना होगा, मेड ऑफ सुना होगा, एक्स्ट्रा कवर भी सुना होगा, थर्ड मैन भी सुना है, गूगली सुना है, चाइना मैन सुना है, ये सारे वर्ड आपने सुने हुए हैं। तो इनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है, तुरंत आप बता दोगे, मेड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, है ना, डेड बॉल, गली, तो ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि ये बहुत सभी को पता होता है और आसान है, तो इनसे क्वेश्चन बहुत कम बनता है, नेवी एमआर में भले बन जाए। बाकी हॉकी से, फुटबॉल से ये क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हॉकी से सेंटर फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंटर फॉरवर्ड शब्द किस खेल से संबंधित है, पेनल्टी स्ट्रोक 100% बहुत बार पूछा गया है, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी संबंधित है, फ्लिप, स्कूप, बुली, पुशिन, ये सारे वर्ड आपके हॉकी से संबंधित है, स्कूप शब्द किससे संबंधित है, इस तरीके क्वेश्चन आएगा। और हॉकी से, हाँ, हॉकी से संबंधित शब्द बताइए, चार ऑप्शन लिखे होंगे, ये लिखा होगा, ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, तो उसमें आपको पहचानना है कि हॉकी से संबंधित कौन सा शब्द है, तो अच्छे से याद करना होगा और तभी याद होंगे, ठीक है, तभी आप बता पाओगे। सेंटर फॉरवर्ड, पेनल्टी स्ट्रोक, फ्लिप, स्कूप, बुली, पुशिन आदि, ये सब आपके हॉकी से संबंधित शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फुटबॉल से संबंधित कुछ शब्द है। तो देखो फुटबॉल से संबंधित जो शब्द है वो आपको याद रखते, सेंटर, स्ट्राइक, फ्री किक, ड्रिबल, फाउल, रेफरी, ऑफसाइड, पेनल्टी शूट, ये सारे आपके फुटबॉल से संबंधित। इनमें से कुछ आपने सुने होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो नहीं सुने होंगे, तो जो नहीं सुने वही आपको याद करना, वही आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सेंटर, स्ट्राइक, फ्री किक, ड्रिबल, फाउल होता है, रेफरी होता है, ऑफसाइड, पेनल्टी शूट और आदि, ठीक है। तो पेनल्टी शूट तक आपको इतने याद रखने, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैंने रखे हैं, बाकी होते तो और भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेनिस से संबंधित और बॉक्सिंग से संबंधित। तो टेनिस से संबंधित जो वर्ड होते हैं वो काफ़ी कठिन होते हैं और नहीं याद होंगे, क्योंकि हमें इस खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना, हम नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं, तो इन्हीं से क्वेश्चन डबल ए में बनता है, SSR में बनता है, बाकी जो आसान होते हैं उनमें नेवी एमआर में क्वेश्चन बनते हैं। AS आता है, डबल फॉल्ट, ग्रिप, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट, ब्रेक पॉइंट, सॉरी ब्रेक पॉइंट ये एक ही वर्ड है, मैच पॉइंट ये एक वर्ड है, तो ये आपको याद रखने हैं, मैच पॉइंट, ब्रेक पॉइंट किस खेल से संबंधित है, ग्रास कोर्ट किस खेल से संबंधित है, क्ले कोर्ट, ग्रिप और एच डबल फॉल्ट ये किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है, टेनिस से संबंधित है। बॉक्सिंग से संबंधित कुछ वर्ड हैं वो भी आपको याद करने हैं, बेल्ट हो गया, बेल्ट पंच, हुक, हैंग ऑन, देखो अलग अलग मैं बताता हूँ, ये बेल्ट है, बेल्ट संबंध आपका बॉक्सिंग से है, पंच, हुक होता है, और इसके बाद हैंग ऑन जिसे बोलते हैं, इसके बाद हिल और नॉकआउट शब्द आपका बॉक्सिंग से संबंधित है ना, और नॉकआउट तो आप जानते होगे, पबजी जो खेलता होगा वो तो जानता होगा नॉकआउट। तो अगर आप के एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि नॉकआउट शब्द किससे संबंधित है, तो पबजी बिल्कुल मत लिखना, कि आप सोचने लगो कि यार नॉकआउट तो हम पबजी में करते हैं, तो याद रखना नॉकआउट आपका बॉक्सिंग से संबंधित है। अब आप एग्जाम में नहीं बोलोगे, अगर एग्जाम में नॉकआउट शब्द आ जाता है तो नहीं बोलोगे, क्यों, क्योंकि नॉकआउट शब्द से रिलेटेड हमने कुछ आपको बताया, पबजी से रिलेटेड कैसे भी रिलेट करके आपको कुछ बातें बताई, तो वो आपके दिमाग में रहेंगी, है ना, तो ये आप याद रखना। इसके बाद रिंग और बोलो पंच, इसके बाद किडनी पंच और आदि। तो देखो जितने भी ये लिखे हैं
वो आप एग्ज़ाम में सारे पूछे जा चुके हैं, ठीक है, किसी ना किसी बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका शतरंज से संबंधित और बैडमिंटन से संबंधित। तो शतरंज से संबंधित जो शब्द हैं वो देखो, चेकमेट आपने पढ़ा होगा और नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन दिया रहता है प्रैक्टिस सेट्स में लेकिन अब नहीं पूछा जाता। स्टेमलेट आपको याद रखना है, कैसलिंग आपको याद रखना है, ठीक है। और देखो बैटरी लो का नोटिफिकेशन आ चुका है, मैं आपको बता देता हूँ, 2 दिन से बारिश हो रही है, कल से बारिश हो रही है, कल से लाइट नहीं आई, इन्वर्टर जितना था वो भी लो हो चुका है, ये मान लो बहुत कम 20 के आसपास बैटरी बची है। और इतने में मैं आपको दिन में 3 वीडियोस तो दे ही चुका हूँ, देखते हैं आगे का क्या होना है, कैसे चार्ज होगा। कैसलिंग, विशप, नाइट, रुक, पोल, ग्रैंड मास्टर और गोम्बिट, ये सारे शब्द आपके शतरंज से संबंधित होते हैं। बैडमिंटन, बैडमिंटन से जो संबंधित शब्द होते हैं, शटल, नेट, स्मैश, बोर्ड, हाई सर्विस, सर्विस ब्रेक, ये शब्द आपके बैडमिंटन से संबंधित होते हैं। अब मैं आपको अगर एक एक वर्ड के बारे में बताऊं कि चेकमेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो आप कभी नहीं भूलोगे। लेकिन मुझे पता है अगर ये बताने बैठूँ ना तो कम से कम 1 घंटे की वीडियो बनेगी, और इतना पेशेंस आपके अंदर नहीं है, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है गोल्फ, लास्ट है गोल्फ से संबंधित कुछ वर्ड हैं। फुट है, फुट पूछा जाता है एग्जाम में कि फुट किससे संबंधित है, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, गोल्फ से संबंधित है। एस हो गया, एयर शॉट हो गया, और बाउंस, एयर शॉट और बाउंस। तो एयर शॉट एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि एयर शॉट किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है गोल्फ से संबंधित है। चलो ये हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख देशों के प्रमुख खेल। ये बहुत आसान है और क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है, अगर गलती से MR में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी सारणी बनी है देश और खेल, तो बताते हैं आपको, चलो जूम कर देते हैं थोड़ा सा, देश और खेल। तो देखो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रमुख खेल है वो है बेसबॉल, इंग्लैंड का आप सभी को पता होगा क्रिकेट, स्पेन का जो प्रमुख खेल है वो है सांड युद्ध, इसके बाद जापान, जापान का जो प्रमुख खेल है वो है जूडो, कनाडा का जो प्रमुख खेल है वो है आइस हॉकी, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो प्रमुख खेल है वो भी है आपका क्रिकेट, इसके बाद रूस का जो प्रमुख खेल है वो है फुटबॉल, मलेशिया का बैडमिंटन, और चीन का टेबल टेनिस, और पाकिस्तान का फुटबॉल, ब्राज़ील का हॉकी। इतने आपको याद रखने, वैसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब इससे क्वेश्चन आ जाता है, इससे एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है कि खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है, एक पक्ष के लिखे हैं या मत सोचना कि दोनों पक्ष के, तो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाती है, तो यहाँ पे कुछ खेल लिखे हुए हैं, खिलाड़ियों की संख्या लिखी हुई है, याद कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन है आपका बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। एक ट्रिक भी आपको बताऊंगा लास्ट में, जिससे आप एग्जाम में बैठो उस ट्रिक को रिमाइंड करना, दिमाग में आपको तुरंत याद आ जाएंगे और आंसर आप दे देना। बैडमिंटन, तो बैडमिंटन में देखो यहाँ पे 1 या 2 लिखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बैडमिंटन में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 2 होती है, लेकिन आप एक खिलाड़ी और 2 खिलाड़ी भी खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में, लेकिन इससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन बैडमिंटन में 1 भी और 2 भी हो सकते हैं एक पक्ष में। इसके बाद है जिमनास्टिक, जिमनास्टिक में 8 होते हैं, याद रखना है, कबड्डी में 7 होते हैं, पता होगा। इसके बाद है जो रग्बी फुटबॉल होता है उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में, ठीक है, क्रिकेट के बारे में आपको पता ही है। चलो लॉन टेनिस है, लॉन टेनिस में भी आपके 2 खिलाड़ी होते हैं लेकिन एक भी खेल सकता है, 1 या 2 दोनों खेल सकते हैं एक पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में आपके 6 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, ठीक है, वाटर पोलो में 7 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो हॉकी, हॉकी में 11 होते हैं, पता है। चलो टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस भी याद रखना, टेबल टेनिस में 2 खिलाड़ी होते हैं और एक भी खेल सकता है, ठीक है, 1 या 2 खेल सकते हैं। खो खो में 9 होते हैं, बेसबॉल में भी आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद आता है फुटबॉल, तो फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं, सभी को पता है, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। और ट्रिक मैंने एक पिछली बार बनाई थी, मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ क्या ट्रिक थी वो, तो आई बटन पे वो वीडियो मैं आपको दे दूंगा, चैनल पे पड़ी है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे देख लेना, उस ट्रिक की वीडियो होगी, तो वो ट्रिक काफ़ी अच्छी ट्रिक थी और उससे बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। चलो अब मेन टॉपिक आता है प्रमुख खेल पुरस्कार। अब यहाँ तक जिसने पेशेंस इस वीडियो को देखा होगा ना भाई, हैट्स ऑफ यार आपको, क्योंकि काफ़ी बहुत कठिन कठिन शब्द हैं, बोरिंग सा आपको लग रहा होगा, लेकिन जब आप बोरिंग चीज़ को आप पढ़ोगे, उनमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, तभी वो आपको अच्छे लगेंगे, तभी वो आपको समझ आएंगे। तो जो लोग यहाँ तक आए सच में हैट्स ऑफ आपको। तो प्रमुख खेल पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे पूछा जाता है, तो जो आपका अर्जुन पुरस्कार है उसके बारे में बात करते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार देखो किस क्षेत्र में दिया जाता है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है किस क्षेत्र अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपको पता है खेल के क्षेत्र में। चलो विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके पिछले 3 वर्षों की उपलब्धि के लिए, कितने वर्षों की,
3 वर्षों की उपलब्धि के लिए 1.1 क्लियर होता है। 3 वर्षों की उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार में किसकी प्रतिमा दी जाती है? अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। प्लस क्या दिया जाता है? प्रशस्ति पत्र, ठीक है, ये तो सबको पता है। चलो इसके बाद 5 लाख रुपए भी दिया जाता है, प्लस समारोह परिधान प्रदान किया जाता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है अर्जुन पुरस्कार से। नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल प्रशिक्षकों द्वारा दी गई उत्कृष्ट सेवाओं हेतु इसमें गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा दी जाती है। किसकी प्रतिमा दी जाती है? गुरु द्रोणाचार्य की। प्रति ये पत्र दिया जाता है और 5 लाख रुपए प्लस आपका क्या समारोह परिधान भी प्रदान किया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार से याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी खेल रत्न और ध्यानचंद पुरस्कार। तो जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो देखो किस लिए दिया जाता है? तो देखो खेलों में सराहनीय प्रदर्शन हेतु, ठीक है, ये दिया जाता है और 7 लाख 7.5 लाख रुपए प्लस ये पत्र आपको दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका ध्यानचंद पुरस्कार 2002। ध्यानचंद पुरस्कार आपका जो दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है? खेल में जीवन भर की उपलब्धियां हेतु 5 लाख रुपए प्लस मूर्ति और आपकी समारोह परिधान प्लस प्रशस्ति पत्र ये दिया जाते हैं। ज़्यादा जानकारी मैंने नहीं निकाली है इनके बारे में, वरना आपको बहुत कुछ बताता, अच्छे से समझाता। मैंने ये सोचा था कि यार बहुत चीज़ें हो जाएंगी, ज़्यादा जानकारी नहीं निकालते हैं, वरना इनसे रिलेटेड और भी जानकारियाँ निकालता। इनसे रिलेटेड करंट में 2019 में किसको किसको कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया वो भी मैं निकालता, लेकिन नहीं निकाली। लेकिन आपको क्वेश्चन ज़रूर मैं आपको सारे करवा दूंगा, जितने भी 2019 में करंट से भी क्वेश्चन है वो भी मैं आपको सारे करवा दूंगा। तो ये मान लो अगर आप हमारे चैनल से जीके पढ़ते हो तो यार आप 25 में 23 या 24 स्कोर आप आसानी से कर सकते हो, अगर आप रेगुलर रहे हो, जो भी मैं दे रहा हूँ उसको सीरियसली पढ़ रहे हो, अच्छे से तैयार कर रहे हो, तभी है ना। ऐसा आए 2 मिनट वीडियो देखी, खुद ही डिसाइड कर लिया कि वीडियो बेकार है और चले गए। वीडियो एक भी बेकार नहीं होती है, वो आपका आपको देखने का तरीका बेकार है, आपका नज़रिया बेकार है। वीडियो कोई भी बेकार नहीं, अगर कोई भी चीज़ है वो उसके 2 पहलू होते हैं, अच्छा और ख़राब। अब आप डिपेंड करते हैं कि आप उससे अच्छा निकालते हो कि ख़राब निकालते हो। आप कोई भी वीडियो, किसी की भी वीडियो हो, अगर आप सोच लो कि इससे सिर्फ मुझे अच्छा अच्छा ले जाना है तो आप अच्छा अच्छा निकाल के ले जा सकते हो, है ना। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है, बाकी ज्ञान की बातें ज़्यादा नहीं करते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। सोचा नहीं था कि ये 15 से 16 मिनट की हो जाएगी, लेकिन ये 17 मिनट से भी ऊपर की वीडियो हो गई है। तो क्या करें, अगर और जानकारी निकालता तो ये कम से कम 25 मिनट की वीडियो होती। अभी मैंने ज़्यादा जानकारी आपको नहीं बताई है, सिर्फ वही बताया जो लिखा था। तो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, ऊपर आई बटन पर इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं वो। उसमें अगर आपने 50 में से 49 का स्कोर कर दिया भाई, तो ये समझ लेना आपके 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता, कोई भी आपके 2 नंबर नहीं रोक सकता। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।